अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 39। टॉपिक है मसल फतीग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरिक एसिड मॉलिक्यूल में, और फिर पायरिक एसिड मॉलिक्यूल को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब हमारी बॉडी के मसल या स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाए तो ये मसल फतीग काज करता है। दूसरी डेफिनेशन मसल फतीग की, हम कह सकते हैं द फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी ऑफ मसल्स, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज मसल फतीग, विच काज द मसल टू एक्ट, यानी कि पेन हो जाता है इस कंडीशन के अंदर इच। इसके बाद हमारे पास है द मसल फतीग इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकली इन एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जो है ये इसके अंदर इफेक्ट आ जाता है। द मसल फतीग इज रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। हाउ? हमने पढ़ा था कि जो थिक फिलामेंट के अंदर, मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है मसल सार्कोमेयर की। किसकी डायग्राम है? सार्कोमेयर, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मायोफाइब्रल विच इज टेक पार्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास है थिक फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद थिक फिलामेंट के जो हेड पोर्शन नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या हैं? इनको आप लेते हैं क्रॉस ब्रिजेस, जो कि अटैच होना हो जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, किसके साथ? एक्टिन प्रोटीन के साथ। ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, और ये जो इनके अंदर जो प्रोटीन है वो कौन सी है? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। अब क्रॉस ब्रिजेस आफ्टर कंट्रैक्शन, जब क्रॉस कंट्रैक्शन हो जाती है, मतलब कि जब ये मसल जो है वो इस तरफ, जो एक्टिन प्रोटीन है वो इस तरफ मूव कर रही होती है, यानी कि इस तरफ आ चुकी होती हैं, दरमियान में आ जाती हैं, जी लाइन और सॉरी जो एच जोन होता है उसको डिसअपेयर कर देती हैं, एम लाइन डिसअपेयर हो जाता है। तो इसके बाद अब इन क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए होती है एटीपी, और एटीपी अगर ना हो तो क्रॉस ब्रिजेस जो मायोसिन प्रोटीन के, एक्टिन प्रोटीन के साथ होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस रिजल्ट इनके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहता है, और इसे क्या होता है, मसल्स के अंदर पेन हो जाता है। हाथ लगाए ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है। मसल्स टू एक्ट क्या होगा, व्हेन नो एटीपी इज प्रेजेंट देन द क्रॉस ब्रिजेस आर नॉट ब्रेक डाउन एंड द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन रिजल्ट। क्योंकि कैल्शियम एटीपी नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटेंगे, और क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटेंगे तो मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगे, दोबारा से रिलैक्स फॉर्म में नहीं आएंगे। और इससे क्या होगा, अब जो कॉन्टिन्यूस स्टेट रहेगी तो इसको हम कहते हैं मसल फतीग, विच रिजल्ट द मसल फतीग इज द स्टेट फिजियोलॉजिकल इमोबिलिटी इन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। क्लियर? दूसरे इसके काजेस कौन कौन से हैं? एक तो हमने लास्ट, अब मैंने शुरू में बताया था मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का अकमुलेट हो जाना। तीसरा होता है आयनिक इम्बैलेंस। अच्छा, याद रखेगा कि जब लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो वो पीएच को ड्रॉप कर देता है, पीएच जैसे ड्रॉप होती है मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है। इम्बैलेंस काज, यानी कि आयनिक इम्बैलेंस काज मसल फतीग, लैक्टिक एसिड में ड्रॉप द पीएच एंड मसल्स टू एक्ट, एक्ट मीन पेन, causes extreme fatigue by the breakdown of glucose. अब ग्लूकोज जो है उसकी ज्यादा ब्रेकडाउन के, यानी कि लैक्टिक एसिड के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी मसल फतीग होती है। नेक्स्ट है टेटनी। टेटनी जो है ये एक डिजीज है, मसल से रिलेटेड है, और वो भी किस वजह से होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। हाउ? हम जानते हैं मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ये कैल्शियम से रेगुलेट होते हैं। कैसे भी,
हमने कहा था जो थिन फिलामेंट होते हैं उनके अंदर तीन प्रोटीन हैं, एक है एक्टिन, दूसरी है ट्रोपोमायोसिन और तीसरी है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है उसके तीन साइट होती हैं, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन, तीसरा एक्टिन के साथ अटैच है। अब कैल्शियम जब ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है तो फिर वो क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करता है और एक्टिन प्रोटीन के ऊपर कैल्शियम सॉरी क्रॉस ब्रिजेस जहां पर अटैच होने हैं वो एक्सपोज हो जाता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। अब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाए, लो हो जाए, तो इसे क्या होगा, डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टेटनी। एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, दूसरा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको कंडक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है। अब अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं टेटनी। मसल ट्विचेस, मसल जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्विचेस हो जाते हैं। एंड कन्वल्जन अकर्स, बॉडी के अंदर कन्वल्जन दौरे पड़ते हैं। इफ रिमेन अनट्रीटेड रिजल्ट लेरिंग स्पाज, जो हमारा बोलने की एबिलिटी होती है लेरिंग्स, रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, ट्रैकिया के अपर साइड पर होता है, ग्लोटिस के बिल्कुल नीचे, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स, इसके अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी पैरालिसिस, सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पैरालाइज हो जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, पैरालाइज एंड रिजल्ट डेथ, दिस इज कॉल्ड टेटनी। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये टेटनस आपने सुना होगा कि कोई अगर बंदा एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर तो कहते हैं उसके वो टेटनस के इंजेक्शन लगवाए। क्यों? क्योंकि जब रोड पे गिरते हैं तो वहां से जो गाड़ी ऑटोमोबाइल्स के रगड़ से प्रोड्यूस होते, मतलब वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोडियम टेटनी। बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अब क्या है, इज यूज फॉर द एक्यूट इंफेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय एनएरोबिक बैक्टीरियम व्हिच इज कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। रिजल्ट पेनफुल स्पाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, कन्वल्जन आ जाते हैं, एक्साइटेबिलिटी आ जाती है। अब इससे क्या होगा, इसे याद रखिएगा, जो हमारे जाज हैं, मतलब अपर जा मैक्सिला, लोअर जा मैंडिबल, जब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी हमारी बॉडी में जाता है ना तो इससे स्टिफनेस आ जाती है, बिगिन ग्रेजुअली जो है वो ये जो हमारे जबड़े हैं अपर मैक्सिला और मैंडिबल ये सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एंड क्या होगा कि जो जाज हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब हमारा जो माउथ है ये एक जगह पर अकड़ जाएगा, ये जाज मूव नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ ही जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो भी पैरालाइज हो जाता है, और इससे क्या हो जाएगा, डेथ हो जाती है। क्या होगा हमारे पास, बिगिन विद ग्रेजुअली स्टिफनेस ऑफ जाज, जाज मीन मैक्सिला एंड मैंडिबल एंड नेक, एंड टू फिक्स द रिजिडिटी ऑफ द जाज, इट्स मीन लॉक द जाज, क्लियर। इसके अलावा जो हमारे हाइंड लिंब हैं उनके ऊपर भी जाकर, या ट्रंक बॉडी और लिंब मसल्स के ऊपर भी जाकर ये इफेक्ट करता है और उनको भी पैरालाइज कर देता है, उसके अंदर भी स्टिफनेस आ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाती है। इट इज फेटल ड्यू टू द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। उसके बाद है रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये कम होता है क्योंकि वहां पर जो है जो सहूलियात हैं इंजेक्शन वो आसानी से मिल जाते हैं, जबकि जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं जिनके अंदर मोर्टेलिटी रेट 40% है उनके अंदर ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान काज करता है। नेक्स्ट है क्रैम्प। क्रैम्प ये बेसिकली ये भी कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही डिजीज है मसल की, लेकिन इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी बॉडी के
तकरीबन जो मसल इंटायर मसल जो है वो सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं क्रैम्प का। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ टेटनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल्स, और ये कुछ सेकंड के लिए भी हो जाता है और ये ज्यादा टाइम या घंटे या दिनों तक भी ये प्रोसेस, यानी कि जो एंटायर मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इट इज कॉमन इन थाई एंड हिप बोन्स। थाई मीन जहां पर हमारी ह्यूमरस सॉरी फीमर बोन होती है, इसके अलोंग जो मसल होते हैं उनको थाई मसल कहते हैं, और जहां पर हमारा पेल्विक गड्डल था, कोक्सल बोन जिसको नाम दिया था, कोक्सल यानी कि प्यूबस इलियम इस्कियम, उसके अराउंड जो मसल होते हैं हम उनको कहते हैं हिप मसल। और जब ये एंड यूजुअली अकर्ड एट नाइट एंड आफ्टर एक्सरसाइज, और ये उस वक्त होता है ज्यादा जब हम रात के वक्त सोए हुए होते हैं या जब हम हार्ड एक्सरसाइज या हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद होता है। इट इज ड्यू टू द लो ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड के अंदर शुगर लेवल अगर कम हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी कि ये डायबिटीज मिलाइटस के केस में भी हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में जो मसल्स हैं उनमें पेन बहुत ज्यादा होता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम सॉरी ग्लूकोज के कम होने से क्रैम्प तक कंडीशन पहुंच जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा दूसरे काजेस क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट डेप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से। इरिटेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, अगर न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कोई इंफेक्शन हो जाए उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पर आज हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।